कर्मचारी देश विरोधी नीतियों के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह व महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं के साथ गांधी पार्क तक जुलूस निकालकर कांग्रेस का पुतला फूंका और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के लगाए जमकर नारे। कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति को एक संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। जिला अध्यक्ष संजीव सिंह का बयान, कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में कांग्रेस नेताओं द्वारा देश को लूटने का काम किया जा रहा। जिन्होंने भी देश का पैसा लूटा है, गरीबों का पैसा लूटा है, उनके खिलाफ हमारी पार्टी कड़ी कार्यवाही करेगी। झारखंड से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर 200 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने पर पूरे देश भर में भाजपा कर रही विरोध प्रदर्शन। वाइट संजीव सिंह जिला अध्यक्ष। झारखंड के एक राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के घर इस तरह से सैकड़ों करोड़ रुपए हिंदी खबर अंदर दब गए भैया, उससे कांग्रेस का चरित्र एक बार फिर से उजागर हुआ। कर लो भैया, गरीबों के हिस्से के विकास का बेशकीमती पैसा इन कांग्रेसियों ने लूट कर अपने घर रखा। 3 दिन से मशीनें गिन रही हैं, मशीनें खराब हो जा रही हैं, लेकिन पैसा नहीं खत्म हो रहा। आज हम पूरे देश में कांग्रेस के चरित्र के खिलाफ, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धरना दे रहा है, पुतला फूंक रहा है और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेगा। ऐसे घोटालेबाजों को चुन चुन कर ढूंढा जाए और देश के गरीब की जनता की हिस्से के विकास के धन को जो लूट कर इन्होंने अपने घरों में बंद रखा है उसको जब्त करके इस देश के गरीबों तक विकास की योजनाओं के माध्यम से पहुँचाया। ठीक है, धरना प्रदर्शन सत्ता और धरने का कोई आपस में ऐसा संबंध नहीं है। जब भी कोई ज्वलंत मुद्दा हो उस ज्वलंत मुद्दे के प्रति जनता का ध्यान आकर्षण करने के लिए धरने किए जाते हैं। आज हम प्रदेश में भी सरकार में हैं, केंद्र में भी सरकार में हैं, लेकिन जिस तरह से कल 300 करोड़ से अधिक पैसा एक राज्यसभा सांसद के घर से बरामद हुआ, हम पूरे देश में जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह धरना कर रहे हैं कि जनता जाने ये घमंडिया गठबंधन और इसमें शामिल लोग इनका चरित्र क्या है, इनकी नीति क्या है। ये पहले भी घोटाले करते थे, आज भी जब मौका पा रहे हैं घोटाला कर रहे हैं। जनता को सावधान करने के लिए हम घर घर जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और इस देश से मोदी जी का जो सपना है कांग्रेस मुक्त भारत का उसको पूरा करके कांग्रेस को इस देश से मुक्त करने का।